सम्माननीय साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं उस बिंदु पर प्रकाश डालने वाला हूं, जैसा कि हम समाज में अक्सर सुनते हैं कि स्वयं के बच्चे अपने माता पिता से, अपने माँ बाप से पढ़ते नहीं हैं। साथियों, क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हमारे विद्यालय बंद हैं और बच्चे घरों पर ही रह करके हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और इसमें माता पिता की बहुत ही अहम भूमिका है। और साथियों, अभी जब भी हम संपर्क में जाते हैं तो हम यही सुनने को आता है कि माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं। और वास्तव में साथियों, बहुत जगह यही स्थिति है और ये स्थिति होने की वजह क्या है, उसी बिंदु पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा, इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ बिंदुओं को लिखा है और इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने माता पिता से नहीं पढ़ते हैं। तो आइए एक एक बिंदु पर हम नजर डालते हैं। तो देखिएगा, यहां पर सबसे पहला बिंदु है कि बच्चों की बातों, उनके किए गए कार्यों, उनकी पढ़ाई अर्थात उनकी जो पाठ्य वस्तु है उसको महत्वपूर्ण न समझते हुए उन पर विशिष्ट ध्यान न देना। साथियों, ये बहुत ही अहम पहलू है और इस बात पर गौर करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा सा आप मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचिएगा, कोई भी व्यक्ति उस काम को ज्यादा करना पसंद करता है या उस प्रकार के कार्य करना पसंद करता है जिसमें लोगों की प्रशंसा प्राप्त हो। ठीक है, धन कमाने की बात और है, किंतु अन्य कार्य यदि हमारे सामाजिक तौर से हम देखें तो व्यक्ति उन्हीं कार्यों को ज्यादा करना पसंद करता है जिसमें उनको प्रशंसा मिले, तारीफ मिले या उन कार्यों को महत्व मिले। होता क्या है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर कह देते कि हाँ ठीक है, और इसके अलावा फिर हम अपने कार्यों में लग जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। देखिएगा, जो भी बच्चे बातें करते हैं अपने घरों में, उनकी बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं ठीक है, उस बात पर हम ध्यान दें, उस संबंध में चर्चा करें। अगली बात यह है कि उनके द्वारा किए गए जो कार्य है, जो कुछ भी निर्माण करते हैं, बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, उनके कार्यों पर नजर डालते हुए उनकी उनको महत्व देना चाहिए, उनके कार्यों को महत्व देना चाहिए, तब ही बच्चे कुछ आगे करने के लिए उत्साहित प्रोत्साहित होते हैं। इस तरह उनकी पढ़ाई के संबंध में हम बात करें तो बच्चे प्रतिदिन हिंदी, गणित, अंग्रेजी जो अन्य विषय हैं ये पढ़ते हैं और उनसे संबंधित कार्यों को वे करते हैं। जब बच्चों के माता पिता उनके द्वारा किए गए कार्यों पर नजर डालते हैं और देखते हैं, ठीक है, और गंभीरता से उस पर विचार करते हैं, बात करते हैं, तो बच्चों को वह बात बड़ी महत्व की लगती है और फिर उनकी रुचि भी उस ओर बढ़ने लगती है। इसके विपरीत ये होता है कि माता पिता अपने कृषि कार्यों से, व्यवसाय की वजह से, ठीक है, उनमें व्यस्त रहता है और बच्चों के किए गए कार्यों पर ज्यादा वह ध्यान नहीं देता है। इसलिए बच्चे भी उसको ज्यादा महत्व की वस्तु न समझते हुए उस पर वे कार्य नहीं करते। और जब माता पिता ही ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे क्यों उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इस पर और भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं। अगली बात क्या है साथियों, देखिएगा यहाँ पर, बच्चों को पढ़ने बिठा देना और स्वयं कोई अन्य गतिविधियों या मनोरंजन के कार्य में लग जाना। साथियों, अक्सर होता यह है कि माता पिता अपने बच्चों को केवल शिक्षक के सहारे, स्कूल के सहारे छोड़ देते हैं और घर पर जब पढ़ने पढ़ाने की बारी आती है तो माता पिता अपने बच्चों को केवल पढ़ने के लिए बिठा देते हैं और ये समझते हैं कि बच्चा स्वयं पढ़ लेगा, कर लेगा। ठीक है, और जब बच्चों को पढ़ने बिठा देते हैं तो बच्चा तो बैठ जाता है किंतु उसका मन नहीं लगता है। और पढ़ने बिठाने के बाद में माता पिता क्या करते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं या फिर कोई मनोरंजनात्मक गतिविधियों में लग जाते हैं, जैसे मोबाइल पर कुछ देखना या टीवी देखना या अन्य कोई चीज पर लग जाते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे। तो साथियों, ये संभव नहीं है। यदि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा समय देना पड़ेगा,
उन साथ बैठना पड़ेगा, उनकी जो विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चे हमारे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। साथ ही एक बात और उठकर आएगी कि हमारे जो अभिभावक जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तब वे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अभी मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूं कि हम ऐसे माता पिता जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं वो किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम आगे अभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं अपने माता पिता से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि एक ही बार में बहुत सी अवधारणाएं बताना अर्थात जरूरत से ज्यादा बता देना। साथियों, मान लिया जाए कुछ माता पिता बच्चों पर ध्यान भी देते हैं, ठीक है, पढ़ाते भी हैं, तो होता क्या है कि माता पिता एक ही बार में बहुत सारी बातों को बता देना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है, और बता करके ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो बच्चा है ये इन बातों को सीख लेगा, किंतु बच्चों की समझ, उनकी जो समझने की योग्यता है उससे ज्यादा जब सामग्री उनको बताई जाती है, जानकारी बताई जाती है, तो उसको वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और माता पिता का क्या होता है कि वो नाराज होने लगते हैं कि ये बच्चे ने क्यों नहीं सीखा, जबकि बच्चा अपनी सीखने की क्षमता के आधार पर ही वह सीख पाता है। तो साथियों, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम उतना ही बच्चों को सिखाए या कोई एक अवधारणा ले ले, छोटी सी बात ले ले, उसको एक दिन दो दिन उसी पर चर्चा करते रहे, तो निश्चित तौर से हमारा बच्चा उसमें पारंगत हो सकता है। अगला बिंदु हम देखते हैं, यह अपेक्षा करना कि बालक को जो भी बताया गया वह केवल एक ही बार में समझ या सीख लेगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, माता पिता अक्सर यही इच्छा करते हैं या उनकी उम्मीद यह होती है कि उनके बच्चे को जो कुछ भी उन्होंने बताया है वो केवल एक ही बार में सीख लेंगे, जबकि हमारे शिक्षक साथी भली भांति जानते हैं कि बच्चा एक बार में नहीं सीखता है, उसे बार बार बताने की आवश्यकता होती है, उस अवधारणा पर, उस विषय वस्तु पर बार बार फोकस करना होता है, तब जाकर हमारा बच्चा सीख पाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है कि बच्चों के सामने ही उनके शिक्षकों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। साथियों, अक्सर कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के सामने उनके शिक्षकों के लिए गलत शब्द निकालते हैं या शिक्षकों के संबंध में गलत कमेंट करते हैं, तुम्हारे शिक्षक ऐसे ही हैं, पढ़ाते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं, या मतलब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सब सारी बातें बोल देते हैं, जिसका कि बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चा सोचता है कि पढ़ाई लिखाई कोई महत्व की वस्तु नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ शिक्षक साथी न पढ़ाते हों, किंतु बच्चों के सामने उसके शिक्षक के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, शिक्षक के बारे में अच्छा ही कहे, तभी तो वो बच्चे शिक्षा को समझ पाएगा। ठीक है, अगला बिंदु देखिएगा क्या है कि छोटी छोटी बात पर डांटना। साथियों, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो अक्सर ये पाया गया है कि बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है या सीख नहीं पा रहा है तो छोटी छोटी बातों में बच्चे को डांटने लगते हैं, कई बार उनको डांट के साथ में पीट भी दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता बल्कि उस विषय वस्तु, उस पाठ्यक्रम को बोझ समझने लगता है। ठीक है, तो साथियों हमें ये प्रक्रिया नहीं करना चाहिए कि हम बच्चे को छोटी छोटी बातों पर डांटे, क्योंकि हमारा शिक्षक साथी समझता है कि बच्चों को हमें किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं साथियों, क्योंकि वर्तमान में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित है और इस समय शिक्षकों के साथ में अभिभावकों की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु क्या है, अति भय की स्थिति होना। साथियों, कई बार क्या होता है, कई माता पिता, खासकर पिता जो होते हैं, उनसे बच्चे काफी भय खाने लगते हैं, क्योंकि पिता जो है काफी डांटते हैं या कभी कभी पीट भी देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा भय की वजह से पढ़ने बैठ तो जाता है किंतु उसकी स्मृति में जो अवधारणा है, विषय वस्तु है, वो नहीं बैठ पाती है। साथियों, ये सब कुछ बिंदु है मैंने बताने का प्रयास किया आप लोगों को। अब हम माता पिता या अभिभावक होने के नाते अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो हम करें अभिभावकों की, तो अभिभावक अगर पढ़ाई लिखाई की हम बात करें या उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तीन कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। पहली कैटेगरी तो ये कि माता पिता का बिल्कुल अनपढ़ होना। दूसरी कैटेगरी है साथियों कि माता पिता यानी अभिभावकों का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना। और तीसरी कैटेगरी में वे अभिभावक आते हैं जो काफी ग्रेजुएट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो साथियों, तीनों कैटेगरियों के जो अभिभावक है, माता पिता है, वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं उस पर हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, यहां पर जो पहला बिंदु मैंने कहा कि
अभिभावक या माता पिता जो है अपने व्यवसाय की वजह से, कृषि कार्यों की वजह से, अपने कार्यालय कार्यों की वजह से, उनकी जो किए गए कार्य है, उनकी पाठ्य वस्तु है, उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया गया है उसको हम उतना महत्व नहीं देते। एक शब्द बोलते हैं, हाँ ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बस इसके बाद हम इति श्री कर लेते। तो सबसे पहली बात तो साथियों, यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको महत्वपूर्ण माने, उस पर ध्यान दे, बच्चों को की प्रशंसा करे, तारीफ करे। और कहीं बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें प्यार से प्रेम के साथ उनको नई सीख दे कि बेटा इसमें अगर ऐसा किया जाता तो बड़ा अच्छा होता, या हम ऐसा कर सकते हैं। अब साथियों बात आती है कि जो माता पिता अनपढ़ हैं, जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने बच्चों को बिठा करके पूछ सकते हैं, बेटा हम भी ये सीखना चाहते हैं, हमको भी ये चीज बताओ। यदि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। कम से कम साथियों आज वर्तमान में हमारा जो समाज है वहां पर इतना तो हम समझते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, या अंग्रेजी के अल्फाबेट क्या होते हैं, गिनती क्या होती है, इतना तो लगभग सभी जानते ही हैं। तो आप बच्चों के साथ बैठकर उनका बराबर साथ देते हुए आप एक तो कह सकते हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं, हमें भी ये चीज बताइए, तो निश्चित तौर से बच्चा रुचि लेगा और वो आगे पढ़ने लगेगा। साथियों एक बात इसमें उठकर आएगी कि जब अभिभावक ही बच्चों को पढ़ाएगा तो फिर अपना काम कब करेगा। तो साथियों देखिए, आप पढ़ने के लिए उस समय बिठा लिए जब आप अवकाश की स्थिति में हो, जब आप खेत से काम करके आ जाए, ठीक है, आप थक जाते हैं, ठीक है, कि तो थोड़ी देर बच्चों पर बैठ करके आराम करते हुए एक तकिया ले सकते हैं, एक कुर्सी ले सकते हैं, वहां बैठ करके या बिस्तर में बैठ करके बच्चे को सब बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम आधे घंटे का समय बिल्कुल आप दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को यह लगेगा कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा कार्य है उसको महत्व मेरे माता पिता के द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षक तो माहौल देते ही देते हैं, तो बच्चा आगे पढ़ने लगेगा। और जो माता पिता थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो तो जानते ही कि वर्णमाला क्या होता है ना, गिनती क्या होती है, जो उन्हें घटाने के सवाल है ना, अंग्रेजी कुछ शब्द हैं, इनके बारे में जानते हैं, है ना, तो वो महत्व देते हुए बच्चों को समझा सकते हैं। अगली बात क्या चाहती हूँ कि हम जब पढ़ने बिठाते हैं तो बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा सीख जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। बच्चा एक ही बार में बहुत सारी अवधारणाओं को, या एक ही बार में कोई अवधारणा बताई गई उसको सीख नहीं जाता है, उसके लिए बार बार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि बच्चा आज ना सीखे, अभी ना सीखे, तो आप उसको कल उस अवधारणा पर, उस विषय वस्तु पाठ्य वस्तु पर चर्चा करें, ठीक है, तब जाके बच्चा सीखेगा, ठीक है। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं वर्तमान में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी रेडियो स्कूल प्रोग्राम चल रहा है, 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो प्रोग्राम आता है, ठीक है। फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर डिजिलेप वीडियोस आते हैं जिसमें कि कई तरह की अवधारणाएं बताई जा रही हैं। फिर बच्चों पर दक्षता उन्नयन की पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, ये सब सारे संसाधन उपलब्ध हैं। और फिर आपने भी तो बच्चों के लिए कापियां, पेन, पेंसिल, रबर कटर सबकी व्यवस्था की है, ठीक है। तो ये जब व्यवस्था हो जाने के बाद में निश्चित तौर से हम यदि थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे बच्चों पर तो बच्चे पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और वर्तमान जो स्थिति हमारी है COVID-19 की वजह से जो स्कूल बंद है, ऐसी स्थिति हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो साथियों पढ़ाने के लिए आवश्यक ये है कि हम बच्चे के द्वारा जो कुछ भी गतिविधियां, क्रियाकलाप, पठन पाठन से संबंधित, खेल कूद या रचनात्मक कार्य, कला से संबंधित कार्य जो भी किए जाते हैं उस पर हम बराबर ध्यान दें, उसको एक महत्व की वस्तु समझें। और जब हम महत्व की वस्तु समझने लगेंगे तो हमारे बच्चे भी उस पर कार्य करते हुए आगे बढ़ने लगेंगे। और साथियों इसका एक फायदा भविष्य में ये होगा कि जब आज COVID-19 की वजह से स्कूल बंद है और हमारे बच्चे घर पर ही अध्ययन कर रहे हैं, तो भविष्य में आप भी समझ जाएंगे कि बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। और बच्चे निश्चित तौर पर आगामी समय जब विद्यालय खुल जाएंगे तो वो उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे और जो शैक्षिक अवधारणाएं हैं उनको गति के साथ प्राप्त करेंगे और उनकी जो सीखने की योग्यता है उसमें काफी वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों आशा करता हूं आज के इस कालखंड में मैंने जो कुछ जानकारी आपको दी है ये काफी उपयोगी लगी होगी और आप इसका पालन भी करेंगे और अपने बच्चों को ऐसा कोरोना काल में पढ़ा करके जो उनकी पढ़ाई का लाश हो रहा है उस लाश की अर्थात उस घाटे की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।